15 वर्षीय नाबालिग की फांसी के फंदे पर झूलने से मौत हो गई। मामला शिवपुर शहर के वार्ड क्रमांक 2 कसाई मोहल्ले का है, जहां एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं बताया जा रहा है कि फांसी के फंदे पर झूलने से पूर्व नाबालिग बालिका ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। वहीं नाबालिग की मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पीएम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जहां पुलिस की जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि नाबालिग बालिका ने आखिरकार फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला किन कारणों के चलते समाप्त की है। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। हाफिज जी, क्या मामला था और कैसे आपकी नवासी ने फांसी लगाई? जी, वो ये कहती थी आकर के इमरान नाम का लड़का परेशान करता है और कोई बात नहीं। अच्छा, आज और कोई बात हुई भी नहीं उससे, कुछ कह के नहीं किसी से, सुबह चाय बना के अपने हाथों से पी करके गई। आज कोई से कोई बात भी नहीं। कहाँ गई थी वो? सिलाई सीखने जाती थी रोज़ाना। अच्छा। और रोज़ाना 9 बजे घर पर आ जाती थी और काम पूरा करती थी, पानी भरना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, नहाना धोना। मैं सुबह 8 बजे पढ़ाने चल जाता था दोनों नवासा नवासिन को लेकर के, ठीक है, और घर पे आता था मैं 1:15। इसी तरीके से मैं आज आया, तो आज जब मैं आया तो मैंने देखा किवाड़ खुला है, कुर्सी नीचे पड़ी हुई है। जब मैं झांका उधर की तरफ तो वो लटकी हुई जीवान निकाले हुए पड़ी थी। तब मैं घबरा के ऐसे कैसे बाहर चिल्लाने लग गया, तो मोहल्ले वाले आए, फिर बाद में ये देखा। कुछ बता रहे थे आप, लिख के भी गई है वो? लिख के गई जो मैंने उनको दे दिया। क्या लिखा था पर्चे में? अब उसमें तो सिर्फ उसने ये लिखा, हालांकि हमसे पहले कुछ ही नहीं कहा, मगर उसने इसमें यह लिखा, अगर तुम मेरी शादी इमरान से नहीं करोगे तो मैं मर रही हूँ और मेरे जनाजे में इमरान को बुला लेना, ये लिखा था उसमें। तो इसके पहले भी कोई बातचीत हुई थी इमरान के और आपके बीच? नहीं, मेरी इमरान से कोई बातचीत नहीं हुई इससे पहले। तो आपकी जानकारी में था कि वो इमरान और इनके बीच में कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ जानकारी थी आपको? नहीं, मुझे तो नहीं थी जानकारी इसकी। तो उसने अचानक ही फांसी लगा ली? मुझे बिल्कुल, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ नहीं। सर, एक नाबालिग द्वारा फांसी लगाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई और क्या मामला था सर? हाँ, वार्ड क्रमांक 2 में आज एक रिपोर्ट हुई थी कि एक बालिका ने फांसी लगा दी है, उस पर से पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करके बाद उसकी बॉडी को पीएम के लिए भेजा है, मर्ग कायम हो गया है। अब जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो कर रही है पुलिस, और जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी।